Hello, hello everyone. Welcome back to the channel. My name is Kirti and thank you so much for tuning in. So, हम आ गए हैं नानी हाउस जो है मेरी मॉम का घर और यहाँ से आज शुरू कर रही हूँ मैं अपना व्लॉग. सो हम लोग आ गए थे नानी हाउस कुछ 3-4 दिन पहले और आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने. सो मेरे मॉम डैड रहते हैं मोहाना मंडी के पास में जो जयपुर में ही है और यहाँ आप लोगों को दिखेंगे बहुत हरे भरे खेत, नहाती हुई कुछ भैंसे और बहुत सारी हरियाली. सो आज हम लोग निकले थे सुबह सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट टू शॉप फॉर सम साड़ीज. तो जयपुर एज यू ऑल नो अपने कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ की साड़ियाँ काफ़ी खूबसूरत होती हैं. सो अभी जैसे तीज आने वाली है सो उसके लिए ही हम लोग शॉपिंग करने निकले थे और हम लोगों को लेनी थी अच्छी सी लहरिए की साड़ियाँ. तो ये जो शॉप थी ये मेरी गुड्डी मासी ने बताई थी और मुझे आप लोग कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि किस किस की मासी, मामा का नाम, बुआ का नाम गुड्डी, डॉली और राजू है. क्योंकि मेरे तो काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं जिनके नाम हैं ये सब, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. सो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे इस साड़ी हाउस जो काफ़ी बड़ा था. बाहर से तो एकदम छोटी सी शॉप लग रही थी बट जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे थे ना ये शॉप बड़ी होती जा रही थी. सो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस थे लहरी के, मोठरे के. तो हम लोगों को बेसिकली लहरिया लेना था तीज के लिए. सो ये जो भैया हैं ये यहाँ पर हमें बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखा रहे थे और यहाँ काव्या और कवीश ना चुपचाप बैठे हुए थे, अपने बिस्किट्स एंजॉय कर रहे थे और इन भैया से बातें कर रहे थे. सो वैसे तो हम लोगों को एक एक साड़ी लेनी थी बट वी एंडेड अप बाइंग 5 डिफरेंट साड़ीज़ फ्रॉम हियर. और ये जो दुकान है ना ये मानसरोवर में है. मानसरोवर इज़ वन एरिया इन जयपुर और आप अगर जयपुर आएँ कभी तो ज़रूरी नहीं है कि सिटी से जाकर ही शॉपिंग करें. काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन मिल जाती है साड़ियों की, सूट्स की. सो ये जो हम लोग साड़ीज़ देख रहे थे ना इस पर जो वर्क हुआ हुआ है ये आज से करीब 12 साल पहले का वर्क है. जब मेरी शादी हुई थी तब भी इसी ट्यूबलाइट और सलमा सितारों वाली साड़ियों का काम होता था. तो मैं वही मम्मी को बता रही थी कि ये वही वर्क है जिसकी साड़ियाँ मैंने मेरी शादी में अपन लोगों ने ली थी. सो ये कुछ साड़ीज़ हैं जो हम लोग को काफ़ी अच्छी लगीं और इनका वर्क भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था. और जो कलर्स हैं साड़ी के ये भैया हमें दिखा रहे थे और इतना मुश्किल हो रहा था यहाँ पे कलर्स सेलेक्ट करना. एंड एज़ यू कैन सी ह्यूज कलेक्शन ऑफ साड़ीज़ था यहाँ पे, हर तरीके की साड़ी यहाँ पे अवेलेबल थी. सो ये हमें पैटर्न्स दिखा रहे थे उसमें एंड कलर्स पे कलर्स ये लोग खोल रहे थे एंड इट वॉज़ सो कन्फ्यूज़िंग कि हम लोग कौन सी लें और कौन सी छोड़ें. सो हर साल तीज पे हम लोग लहरिए का कुछ पहनते हैं. लहरिया इज़ बेसिकली इस टाइप की स्ट्राइप्स वाली साड़ीज़ और सूट्स, और मोठड़ा जो होता है वो डॉटेड लाइंस का रहता है. तो इस तरीके की जो साड़ी और सूट्स होते हैं वो हम लोग तीज पे पहनते हैं. ना मेरे ससुराल में होता है हरियाली तीज और मेरी मम्मी के साइड में मेरे पीहर में होता है बड़ी तीज. सो दोनों ही फंक्शंस हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. बट यहाँ पर अभी मैं ले रही थी हरियाली तीज के लिए साड़ियाँ जो मेरे सिंजारे पे मेरी मॉम की तरफ से मुझे मिलेंगी. you
सो हर साल जब भी मैं आती हूँ मैं एक न एक लहरिए की साड़ी ज़रूर लेती हूँ। मुझे ये येलो वाली काफ़ी पसंद आई थी, बट सिंस मैंने अभी पिछले कुछ हफ्तों में ही एक और येलो साड़ी ली थी तो वो मैंने फिर नहीं ली, नहीं क्योंकि सेम येलो, एग्जैक्ट सेम शेड ऑफ येलो मेरे पास ऑलरेडी था। और यहाँ पे काव्या को अपना नाम दिख गया किसी एक स्टिकर पे और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई कि मैं इन साड़ीज़ की जो है डिज़ाइनर हूँ। सो यहाँ से हम लोगों ने 5 साड़ियाँ कलेक्ट करी और मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती बिकॉज वो बनने गई हैं, बट नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको डेफिनेटली वो सारी साड़ीज जो बन के आई हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो उनमें बेसिकली चरक होती है, फॉल पीको होता है एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो ये साड़ी के जो शॉपकीपर हैं वही हमको करवा के देंगे। यहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे थे कुछ खाने और मैंने जयपुर के चौपाटी के बारे में काफ़ी सुना था। सो मैंने मेरे डैड को बोला अगर पास में है तो हम लोग ज़रूर चलते हैं। सो यहाँ मानसरोवर के पास में ही जयपुर चौपाटी भी है जो दिन में इतना एक्टिव नहीं था हालांकि, बट कुछ शॉप्स ओपन थी और हम लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं कुछ लंच करने के लिए। इन दिनों जयपुर में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है थोड़ी देर भी बाहर खड़े रहना। और यहाँ पर बिल्कुल ओपन में है ये चौपाटी और कुछ 3-4 दुकानें ही यहाँ पे जो थी ओपन थी। सो हमने यहाँ से लिया चाउमीन, पाव भाजी, एक राज कचौरी और मैंने मेरे ग्रैंडफादर के लिए भी यहाँ से मेरे डैड ने दही बड़े पैक करे। अब यहाँ हम लोग पहुँच तो गए थे बट भूख और गर्मी इतनी थी और इतनी इरिटेशन हो रही थी गर्मी से कि मैंने खाना कुछ भी यहाँ पे शूट नहीं किया बिकॉज़ वी जस्ट वांटेड टू ईट एंड लीव। सो यहाँ पे हम लोगों का लंच भी हो गया था और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। सो गाइज लंच के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए और रास्ते में हमने ख़रीदी ठंडी ठंडी आइसक्रीम टू सेटिस्फाई आर क्रेविंग्स एंड टू बीट द हीट। सो बस गाइज यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप यू एंजॉयड इट एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय राम जी की।